साथ हम चुनाव जीतेंगे। आखिर जिस पलायन की बात हमेशा जयराम माधो जी करते हुए नजर आते हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता कितने गंभीर समस्या मानती है इस पलायन को, जो युवा आज पलायन पूरा आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से 1.5 लाख प्रवासी मजदूर वोट करने के लिए आए और फिर गए भी, जाते जाते लोग स्टेशन में एक सेल्फी छोड़ गए कि अब हम वोट देके जयराम महतो को जा रहे हैं। इतना लाल प्यार है क्योंकि यहाँ माँ माटी का प्यार है। आज 24 वर्ष के बावजूद यहाँ के नेताओं ने सिर्फ छलने और कपटने का काम किया, कुछ करना आशीर्वाद शासन एक टाइगर जगन्नाथ महतो जी थे जिनको मैं नमन करता हूँ, उन्होंने 1932 का मुद्दा को उठाया था, और दूसरा कोई टाइगर है तो जयराम महतो है। इसलिए हम हर हाल में इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे और विधानसभा की तैयारी होगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से किसको देख रहे हैं? लोकसभा क्षेत्र के बारे में बहुत हम स्पष्ट नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो जीतेंगे उनको मैं बधाई देता हूँ। पक्का जो जीतेंगे उनको बधाई देंगे? हाँ बधाई है उनको, मैं बधाई लोकतंत्र यह पर्व ऐसा पर्व है जो सबको 5 वर्ष में एक बार मौका आता है, और उसमें मौका में सबका एक अपना एक मत देने का मौका है। अब जैसे हम गोमिया प्रवेश करेंगे, डुमरी प्रवेश करेंगे, हम जयराम महतो टाइगर जयराम महतो को पीछे कर करने वाला नहीं होगा। इसलिए हम डुमरी और गोमिया अभी बाकी है, आगे मत कहिए ना, आपको आगे वो काउंटिंग साइज बागमारा से शुरू हुई है, हम लोग को बहुत दूरी रखा गया है, हम लोग आवाज भी नहीं सुन पा रहे। उसके बाद मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि बागमारा में और गिरिडीह से शुरू हुई है, जैसे हम डुमरी आगे हम पटक देंगे, डुमरी में छोड़ेंगे नहीं। आप सभी का जोश को समर्थन में देख पा रहे होंगे, सभी का एक ही नारा है कि परिवर्तन जरूरी है। इस बार हम निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो जी को ही विजय होते हुए देखने वाले हैं। आखिर क्या होता है, आखिर किसको मिलता है।